हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 प्रो एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आप जो स्लो इंटरनेट की प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन की नेटवर्क सेटिंग को आपको रीसेट करना है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मोबाइल फ़ोन के नेटवर्क सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारा इंटरनेट जो है वो स्लो काम करता है। ठीक है, रीसेट कैसे करेंगे नेटवर्क सेटिंग को, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना सेटिंग पेज में आपको सबसे नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का। सिस्टम पे आपको इसे सेलेक्ट करना है। अब सिस्टम के अगले पेज में आपको सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलेगा रीसेट ऑप्शन, रीसेट ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको है ना सबसे ऊपर ये ऑप्शन मिलता है रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ का, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ये पेज में तीन ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, वाईफाई मोबाइल डेटा ब्लूटूथ। ये तीनों की तीनों हमारे मोबाइल फोन की नेटवर्क सेटिंग होती है। आपको इसके लिए नीचे की साइड रीसेट सेटिंग पे आपको टैप करना है। अब जो भी स्क्रीन लॉक आपने अपने फोन पे लगा रखा है उसे आपको यहाँ पे एंटर करना है। अब यहाँ पर आपका अगला पेज ओपन होगा, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है रीसेट ऑल नेटवर्क सेटिंग। इसके लिए आपको नीचे की साइड ये रीसेट सेटिंग पे टैप करना है, तो कुछ ही सेकंड्स में आपका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर जब मैं इसे टैप करता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा हुआ आ गया नेटवर्क सेटिंग हैव बीन रीसेट। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है नेटवर्क सेटिंग को आप रीसेट करके आप अपने स्लो इंटरनेट की समस्या को आप दूर कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन को एक बार जो है रीस्टार्ट करना है। ठीक है, रीस्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फोन के साइड में आपका पावर बटन होता है, पावर बटन को आपको उंगली से दबा के रखना है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन के सामने एक पेज ओपन होगा छोटा सा इस तरीके का, इसमें आप देख सकते हैं रीस्टार्ट का ये बटन दे रखा है, इसे आपको टैप करना है। इससे क्या होगा, आपका मोबाइल फोन जो है ऑटोमेटिक स्विच ऑफ हो जाएगा, थोड़ी देर में ऑटोमेटिक स्विच ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रीस्टार्ट करने से क्या होता है कि आपके मोबाइल फोन के एंड्रॉइड सिस्टम में अगर कोई छोटी मोटी कमियां आ जाती है तो वो दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से। कमियां क्या हो सकती हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पहला तो ये होता है स्लो इंटरनेट की समस्या, दूसरा होता है मोबाइल फोन हैंग होना, कॉल नेटवर्क की समस्या। ठीक है, ऐसी काफ़ी सारी छोटी मोटी समस्याएं दूर हो जाती है रीस्टार्ट करने से। ठीक है ना, अब आपको दोस्तों करना है क्या है कि आपके मोबाइल फ़ोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फ़ोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं, ऑटोमेटिक चलते रहते हैं। ठीक है ना, आप उन्हें यूज़ नहीं भी करते तो ऑटोमेटिक चलते रहते हैं वो ऐप्स। ठीक है, आपके बैकग्राउंड पेज पे मोबाइल फ़ोन के, तो उन सभी ऐप्स को आपको स्टॉप करना है। स्टॉप कैसे करेंगे, देखिए मोबाइल फ़ोन का आपको सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में आपको ना नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का, ऐप्स पे सेलेक्ट करेंगे ना तो इसके अंदर आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिलता है स्पेशल ऐप एक्सेस एक्सेस का, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको वो ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते हैं। ठीक है, तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप कर देना है। स्टॉप कैसे करेंगे, देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर एक ऐप को सिलेक्ट करता हूँ, तो इसके अंदर आपको जो है ना रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड का ये ऑप्शन मिलता है। रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने वाले सर्कल पर आपको टिक करना है तो आपका ब्लू टिक मार्क लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये जो ऐप है वो स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन बैकग्राउंड पेज पे रन नहीं करेगा और आपके मोबाइल फोन की बैटरी डेटा काफी सारी चीजें कंज्यूम नहीं करेगा। ठीक है ना, तो यहां पर दोस्तों आपको है ना इसी तरीके से बाकी सभी ऐप्स को भी स्टॉप कर देना है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन का सिस्टम चेक कर लेना है कि वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम जो है मोबाइल फ़ोन का अपडेटेड ना होने की वजह से भी हमारे मोबाइल फ़ोन में स्लो इंटरनेट की समस्या आती है। ठीक है ना, तो आपको चेक कैसे करना है कि आपका सिस्टम जो है अपडेटेड है या नहीं है, इसके लिए आपको मोबाइल फ़ोन का सबसे पहले तो इंटरनेट चालू करना है। ठीक है, या तो आपका मोबाइल डेटा या वाईफाई, इन दोनों में से कोई एक चालू रहना चाहिए। ठीक है ना, इसके बाद आपको मोबाइल फ़ोन का सेटिंग ओपन करना है। सेटिंग में आपको ना नीचे ये ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम अपडेट का, इसे सेलेक्ट करेंगे ना, इसके अंदर आपको अगर इस पेज में अगर कोई भी आपको अपडेट का ऑप्शन या बटन दिखाई देता है तो उसे आपको अपडेट पे सेलेक्ट करना है। ठीक है ना, क्लिक करना है, इससे क्या होगा आपके मोबाइल फोन का सिस्टम अपडेट होने लग जाएगा। सिस्टम अपडेट होने में 5-10 मिनट या आधा घंटा भी लग सकता है, लेकिन आपको सिस्टम अपडेट का पूरा प्रोसेस आपको कंप्लीट होने देना है। ठीक है ना, तो सिस्टम को अपडेट करने से भी हमारे स्लो इंटरनेट की समस्या जो है वो दूर हो जाती है। ठीक है, अब दोस्तों अगला प्रोसेस आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फ़ोन को रीसेट कर देना है। रीसेट अगर आपको ज़रूरत लगे तभी आपको अपने फ़ोन को रीसेट करना है। देखिए दोस्तों आपको रीसेट कैसे करेंगे, मोबाइल फ़ोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे तो आपको सबसे नीचे ये ऑप्शन मिल जाएगा सिस्टम का, सिस्टम पे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे टैप करना है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे टैप करना है। इसके अंदर आपको नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा का, इस पर आप टैप करेंगे ना तो आपका मोबाइल फ़ोन रीसेट हो जाएगा और आपके स्लो इंटरनेट की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको
आपको एक बात का ध्यान रखना है कि आपको है ना इरेज ऑल डेटा पे सिलेक्ट करने से पहले आपके मोबाइल फोन में जितना भी डेटा है, फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, कॉल लिस्ट, जो भी कुछ है आपके फोन में, वो सारा का सारा जो डेटा है ना वो आपको दूसरे मोबाइल फोन में कहीं पर भी आपको ट्रांसफर कर लेना है, ठीक है ना। नहीं तो आपका सारा डेटा डिलीट हो जाएगा इसे रीसेट करने से फोन को। और यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपके मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी आपको लिख के रख लेना है ताकि आप अपने फोन को दोबारा से लॉग इन कर सके, ठीक है ना। तो ये सारे प्रोसेस आप फॉलो करेंगे तो आपके मोबाइल फोन में स्लो इंटरनेट की समस्या दूर हो जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर ये सारे प्रोसेस अगर आपके प्रोसेस करने के बाद भी आपके स्लो इंटरनेट की समस्या सॉल्व नहीं होती तो आपको करना क्या है कि अगर आपके मोबाइल फोन के डेटा में यानी कि सिम के डेटा में अगर आपका ये प्रॉब्लम आ रहा है स्लो इंटरनेट का तो आपको अपनी सिम की कंपनी के कस्टमर केयर पर आपको बात कर लेनी है, ठीक है ना, जिससे कि आपके जो है स्लो इंटरनेट की समस्या पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। बात कर लेनी है, उनको अपनी प्रॉब्लम बता देनी है, हमारा इंटरनेट जो स्लो चल रहा है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन में वाईफाई के कनेक्शन में इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है स्लो इंटरनेट की तो आपका जिस कंपनी का राउटर लगा हुआ है आपके घर में उस राउटर की कस्टमर केयर पे वहाँ पर आपको कांटेक्ट कर लेना है, उनको अपनी समस्या बता देनी है, फिर वो आपको ये समस्या को हल कर देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों यहाँ पर जो है ना इन सभी प्रोसेस के जरिए भी आप जो है स्लो इंटरनेट की समस्या को दूर कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया है। और कस्टमर केयर पे जो मैंने बात करने की बात बोली है वो एक आखिरी ऑप्शन होता है, ठीक है।